नमस्ते, मैं हूँ गार्गी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दही बड़े बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद होते हैं, तो आज मैं आपके साथ दही बड़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ज़्यादातर लोग दही बड़े उड़द दाल से बनाते हैं, लेकिन आज मैं मूंग की दाल और उड़द की दाल दोनों को मिक्स करके दही बड़े बनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं बनाने की। तो दही बड़े बनाने के लिए मैंने लिए यहाँ एक कप मूंग दाल। ये धुली हुई मूंग दाल है, येलो कलर की, मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है ये। और एक कप ही मैंने लिए धुली हुई उड़द दाल। इन दोनों को मैंने पहले अच्छे से साफ कर लिया था। देखिए, इन्हें एक साथ ही हम पानी में भिगा देंगे, जरूरी नहीं है अलग अलग भिगाना। पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए होता है ताकि अच्छे से हमारी दोनों दालें पानी में डूब जाएं। आप अगर चाहें तो सिर्फ उड़द दाल से भी बना सकते हैं बड़े, लेकिन दोनों दालें मिक्स करके और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। और उड़द दाल थोड़ा भारी भी रहती है, तो मूंग दाल अगर हम साथ में उसमें मिला देते हैं तो वो ज़्यादा भारी भी नहीं रहते हैं हमारे पेट के लिए। तो दोनों दालें पानी में हम भिगाकर 6 से 8 घंटे तक या फिर ओवरनाइट हम इसे सोक कर देंगे। ये देखिए, दाल भीग चुकी है मेरी और इसको मैंने 2-3 बार साफ पानी से वॉश कर लिया है। भीगने के बाद ये दाल साइज में लगभग डबल हो जाएगी, तो आप उस हिसाब से अपना मेजरमेंट रखें। अब इसको हमें फाइन पेस्ट बनाना होगा, उसके लिए इसे मैं एक जार में ट्रांसफ़र करूँगी। दाल को मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है। अब इसका हमें बहुत फाइन पेस्ट बनाना है। इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, बाद में ज़रूरत के हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। ये देखिए, दाल का बिल्कुल फाइन पेस्ट बन के रेडी है। इसी तरह से हम बाकी बची हुई दाल का भी पेस्ट बनाएंगे। ये हमें दरदरा बिल्कुल नहीं रखना है, जितना फाइन ये पिसा हुआ होगा उतना ही अच्छा दही बड़ा बनेगा। ये देखिए, बैटर मेरा बिल्कुल रेडी है। और अब अगर आपको सॉफ्ट सॉफ्ट दही बड़े बनाने हैं तो थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। विस्कर से इसको हमें कम से कम 10 मिनट तक तो विस्क करना ही पड़ेगा। तो चलिए विस्किंग का काम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसको विस्क करते करते मुझे लगभग 10 से 15 मिनट हो गए हैं। और विस्क करते टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि विस्कर से हमें एक ही डायरेक्शन में विस्क करना है इसको। जितना ज़्यादा ये विस्क होगा उतने ही सॉफ्ट हमारे दही बड़े बनेंगे। और चलिए, मुझे काफ़ी टाइम हो गया इसको विस्क करते करते, तो चेक करते हैं कि अच्छे से विस्क हुआ है या नहीं हुआ। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बोल में मैंने लिया है पानी और इस पानी में थोड़ा सा ये बैटर डाल के हम देखेंगे। ये देखिए, ये जो मैंने बैटर डाला है ये पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आपका बैटर फ्लोट करता है तो इट मीन्स बैटर हमारा दही बड़े के लिए बिल्कुल रेडी है। और अगर ये पानी में फ्लोट नहीं कर रहा है तो आपको थोड़ी देर और इसे विस्क करना पड़ेगा। ये देखिए, बैटर अच्छे से विस्क हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से चॉप बादाम और थोड़ी सी रेजिन यानी कि किशमिश, ये डाल के हम इसको एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही बड़े में सरसों के तेल में बनाने वाली हूँ, जिसके लिए सरसों का तेल मैंने ऑलरेडी गर्म कर लिया था और थोड़ा ठंडा कर लिया है। थोड़ा ठंडा हो जाने पर मैं चेक करती हूँ, हाँ बिल्कुल परफेक्ट गर्म है। और सारे दही बड़े मैं इसमें डाल दूँगी। ये काम हमें अपने हाथ से ही करना पड़ेगा। बीच बीच में हम थोड़ा थोड़ा ऑयल भी इनके ऊपर डालते जाएंगे, जिससे कि ये अच्छी तरह से दोनों तरफ से सिक जाए। और दही बड़े को हमको स्लो फ्लेम पे ही सेकना है ताकि अंदर तक ये सिक पाए अच्छे से। ये देखिए, दही बड़े अच्छे से सिक चुके हैं और इन्हें मैंने स्लो फ्लेम पे ही सेका है। एक बोल में मैंने ल्यूक वॉर्म वाटर यानी हल्का सा गर्म पानी लिया है और इस हल्के गर्म पानी में मैं
जो दही वड़े बनाए हमने वो ट्रांसफर कर दूंगी। ये पानी में थोड़ी देर भीगेंगे तो अच्छे से पानी अंदर तक एब्जॉर्ब होगा, उससे दही वड़े हमारे बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इन्हें इसी तरीके से पानी में भीगे रहने देते हैं और जितने भी आप दही वड़े बनाएं उनको इसी तरह पानी में भिगा के रख दें। ये देखिए आधा घंटा जितना मैंने इसको भिगाया था पानी में और कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी दही वड़े बन के रेडी हैं। देखिए अब इनकी मैं प्लेटिंग करती हूँ। देखिए प्लेटिंग करने के लिए दही वड़े में से इस तरह से स्क्वीज कर देंगे हम पानी सारा और फिर जिस भी प्लेट में रखना है उसमें हम रखते जाएंगे। अब इस पे फ्रेश दही डालेंगे। दही फ्रेश होना ज़रूरी है और खट्टा नहीं होना चाहिए। ये खट्टा दही होगा तो उसे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। इसमें खूब सारा दही इसमें बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं डालूंगी इसमें इमली की चटनी। वाओ देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये। और मसाला जो मैंने इसके लिए दही वड़े का मसाला बना के रखा है, जिसमें मैंने जीरा भून लिया था और उसके साथ ही हींग, थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च भूनी थी। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और लास्ट में हम डालेंगे इस पर धनिया पत्ती। तो ये दही बड़े की रेसिपी आप लोग जरूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि दही बड़े को हमने फ्राई जरूर किया है लेकिन बाद में हमने इसको गर्म पानी में सोक करके फिर स्क्वीज करा है, जिससे जो एक्सेस ऑयल है वो सब निकल जाता है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बेफिक्र होकर आप खा सकते हैं खूब सारे दही बड़े मजे से। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।